Good morning, students. Today we will continue exercise 9A from the fourth question. All the questions you can solve in your book because the space is provided there, so you have to solve in your book only. So first question given here is color the fractions, count and write. हम लोगों को कुछ कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ, पीसेस दिया हुआ, उसको काउंट उसको निकाल कर आंसर निकाल कर उसको कलर करना है. फर्स्ट क्वेश्चन गिवन हियर इज 1/4 ऑफ 8. पहले हम लोगों को 1/4 ऑफ 8 फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसको कलर करना है. सो 1/4 ऑफ 8 इज इक्वल टू 2. दैट मीन्स 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 8, दैट वी विल गेट 2. सो यू हैव टू कलर 2 पोर्शन इन द गिवन पिक्चर. सेकेंड क्वेश्चन 1/3 ऑफ 12. 1/3 of 12, when we solve, it will become 4. So you have to color the 4 portions. Next one, 2/3 of 15. So you have to find out 2/3 of 15, you will get 10. So you have to color any 10 portions given in the picture. And next one, 3/5 of 20. 3/5 of 20, when we calculate, it will become 12. And you have to color 12 parts of the given picture. And next question, fill in the blanks. 1/2 of 12, that is equal to 6. Already solved every questions in your book. 1/3 of 15, that is equal to 5. 1/3 को हम लोग कटेंगे तो 5 से कटेगा तो हम लोग को 5 मिलेगा. 1/4 of 20, that is 5. 1/6 of 18, that is 3. And 3/4 of 24, that is 18. उसी तरह सब क्वेश्चन को हम लोग बनाया है, ठीक है, देख लेना, उसके बाद आप लोग बना लेंगे. अब सिक्स क्वेश्चन गिवन हियर इज टिक द करेक्टली शेडेड फ्रैक्शंस. आप लोग को कलर करके दिया हुआ है, अगर वो दिया हुआ सही है तो उसको टिक करना, अगर नहीं है तो उसको क्रॉस करना, ठीक है. तो पहले में हम लोग कितना पोर्शन है, उसमें टोटल 6 पोर्शन है, उसमें हम लोग को बोला गया 1/2 कलर किया हुआ है. 6 का 1/2 कितना होता है, 3, है ना, 3 कलर किया हुआ है हम लोग को बोला है, तो सही है कि नहीं, सही है ना. और दूसरा में हम लोग को कितना पोर्शन है, 6 पोर्शन है, उसमें भी 1/3 कलर किया हुआ है बोले, उसमें 2 पोर्शन को कलर किया हुआ है, वो सही है. 6 का 1/3 हम लोग निकालेंगे, हम लोग को 2 मिलेगा, इसीलिए वो भी सही है. अब नेक्स्ट हम लोग को 6 का 2/3 कलर किया हुआ है तो उसमें 4 आता है, वो भी सही है. अब नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ 3/4 कलर किया हुआ है, टोटल पोर्शन उसमें कितना है, 8 पोर्शन है, तो उसमें 3/4 देंगे तो हम लोग को 6 मिलेगा, तो हम लोग को 6 नहीं कलर किया हुआ, 5 कलर किया हुआ, इसीलिए वो गलत है. उस तरह आगे भी देख लेना, उसको फाइंड आउट करके बता लिख देना सही की गलत है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ ट्रू और फॉल्स लिखना है, वो भी बुक में ही लिखोगे. 1/5 ऑफ 20 इज 4. 1/20 का 1/4 4 है. हम लोग 1/4 20 का 1/5 निकालोगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, तो इसीलिए वो स्टेटमेंट सही है. 2/3 ऑफ 30 इज 20. 30 का 2/3 20 है. जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा 20, तो इसीलिए हम लोग का आंसर सही है. सो 3/11 ऑफ 55 इज 35. तो उसको देखो तो हम लोग को आंसर कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, इसीलिए वो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है. 1/6 ऑफ ए नंबर इज 5, द नंबर इज 30. 30 के 1/6 हम लोग को अगर 5 आता है तो हम लोग को सही है. जब हम लोग सोल्व करेंगे 30 के 1/6 हम लोग को 5 आता है, इसीलिए वो दिया हुआ स्टेटमेंट सही है, ठीक है. और 2/5 ऑफ ए नंबर इज 20, द नंबर इज 65. एक ही नंबर का 2/5 20 है, वो नंबर 65 हम लोग को दिया हुआ है. जब हम लोग सोल्व करेंगे हम लोग को कितना मिलता है, हम लोग को 20 नहीं मिलता, 26 मिलता है, इसीलिए हम लोग को स्टेटमेंट गलत है, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7/10 ऑफ ए नंबर इज 70, द नंबर इज 100. तो हम लोग देखेंगे 7/10 देखेंगे 100 का 7/10 कितना है, तो हम लोग देखेंगे 70 मिलेगा, इसीलिए हम लोग को दिया हुआ स्टेटमेंट सही है. सो आज आप लोग बनाओगे एक्सरसाइज 9A का 4 से लेकर 7 तक बुक में बनाओगे, ठीक है. ओके, थैंक यू.